आप शिक्षा को प्रमोट करने की जगह आप गाय को प्रमोट कर रहे हैं आप पकोड़ा को प्रमोट कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि गोबर में डायमंड निकालो नाला से गैस निकालो हाँ अलग इनके जो दलाल मीडिया जो बैठाए गए हैं कुछ लोग जो क्या कहते हैं इनको जो है ना सबके जूते नहीं चाटते हैं हमारा जूता नहीं चाटेगा मेरा जूता में गंदा हो सकता है ये चाटता है सरकार की जूता ये चाटता है मंत्री का संतरी का अदानी का अंबानी का बोल रहे हैं कश्मीर से वो थ्री हट गया तो गोरी गोरी लड़की से शादी करेंगे अपना बीवी तो संभाल नहीं पाए आप क्या है कि गरीब किसान मज़दूर रिक्शा चालक दुकानदार के बच्चे भी पढ़ के उस समाज के एक बराबरी पे आए ये नहीं चाह रहे हैं और जब प्रेमचंद को प्रेमचंद को पढ़ी कितना अच्छी बात कही उन वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इस देश के गरीब किसान मजदूर सब के बच्चों को मुफ्त में यहाँ यही, यही नहीं सभी को मुफ्त में हायर एजुकेशन मिले ऊँचा तालीम मिले ताकि वो इल्म हासिल करने के बाद इस देश के तरक्की में अपना योगदान दे सके वो कहते हैं कि इल्म से तरक्की है तरक्की से इल्म नहीं है यानी आप एजुकेटेड होंगे आप एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तभी आपके देश का डेवलपमेंट होगा आप ये नहीं है उल्टा नहीं है कि आपका देश डेवलप्ड है तब आप एजुकेशन हासिल करेंगे अब देखिए रशिया में एजुकेशन उसका लिटरेसी रेट देखिए वहाँ का प्रोमोटिंग कैपेसिटी देखिए कैसा हायर एजुकेशन प्रोमोट कर रहे हैं वहाँ का वहाँ का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर देखिए आप यू का देखिए अब बगल में केनिया ऑस्ट्रेलिया जापान जैसा छोटी छोटी कंट्री जो हमारे देश के अगर सब बाथरूम को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक देश बन जाएगा जापान जैसा वो सब फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं और हम ये क्लेम करते हैं हमारा देश विश्व गुरु है तो भाई विश्व गुरु है तो विश्व को दिखाने के लिए गुरु तो पैदा करो गुरु नहीं आप गोबर पैदा कर रहे हैं तो विश्व गुरु के जगह आप तो गोबर गुरु बना रहे हैं आप शिक्षा को प्रमोट करने के जगह आप गाय को प्रमोट कर रहे हैं आप पकोड़ा को प्रमोट कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि गोबर में डायमंड निकालो नाला से गैस निकालो हाँ तो ये सब ये बिल्कुल का फार्स लॉजिक और फ़ार्स डिबेट है इस पर पढ़ना नहीं चाहिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग मीडिया पर्सन है आप लोग जन जनता के हमारी बातों को पहुँचाएँ कि हमारी लड़ाई केवल फ़ारूक़ की नहीं है आपके एजेन की नहीं है ये पूरे देश की लड़ाई है पूरे देश के अकलीतों की मज़दूरों की किसानों की गरीबों की दलितों की ओ बी के तमाम लोगों के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पर हमें हाथ ऊपर नीचा ना ना करना पढ़े एक बार हम ऐसे हाथ करें तो सबके सिर के ऊपर से मेरा हाथ गुजरे मतलब सबको बराबर का एजुकेशन मिले सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक हो सबका रहने की एक स्टैंडर्ड एक हो सबका सोचने की कैपेसिटी लेकिन आप जो ये नहीं चाह रहे हैं क्यों नहीं चाह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि इस देश में अगर ये झाड़ू लगाने वाले पोछा लगाने वाले कचरा ढोने वाले ये खेत में मजदूरी करने वाले इनके बच्चे पढ़ लेंगे ना तो इनसे सवाल पूछेंगे सवाल पूछेंगे तो क्या होगा इनके सत्य बगावत पैदा होगा देश में बगावत पैदा होगा तो क्या होगा सरकार गिरेगी सरकार गिरेगी तो क्या होगा इसका दुकान बंद होगा दुकान बंद होगा तो क्या होगा कोई दूसरा और आएगा तो ये सब ये नहीं चाह रहे हैं इसीलिए अलग इनके जो दलाल मीडिया जो बैठाए गए हैं कुछ लोग जो क्या कहते हैं इनको जो है ना सबके जूते नहीं चाटते हैं हमारा जूता नहीं चाटेगा मेरा जूता में गंदा हो सकता है ये चाटता है सरकार की जूता ये चाटता है मंत्री का संतरी का आदानी का अंबानी का उसका जूता चिकना होता है उसका जूता चाटता है और वो जो कहता है वो करता है और तब क्या फैलाएगा भ्रम क्या फैलाएगा कि दस रुपया बढ़ा दिया जे का फी तो बगावत कर रहे हैं माल बोरों का सिगरेट पी रहे हैं और दस रुपया पी नहीं कर सकते भाई आप लाख रुपया कमा रहे हैं लेकिन पाँच रुपया अगर प्याज में दाम बढ़ा दिया जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा कल आप उससे पूछिएगा अब पकौड़े के बाद कहा जा रहा है ट्रक टेम्पो और बस चलाने में बहुत बढ़िया रोजगार है <coughs> देखिए वो तो क्या है ना वही है ना कि एक कहता है कि जब किसी भी मुल्क में किसी भी देश में एक जाहिल और मूर्ख जब सत्ता पे काबिज होती है ना तो जनता को उससे कोई उम्मीद नहीं रह जाता है इसलिए वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है हम उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है मुझे पता है कि वो कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते क्योंकि अच्छा कभी सोचा ही नहीं सोचेगा कब जब पढ़ेगा पढ़ा ही नहीं फ़र्जी डिग्री है बत्तीस साल में जाकर एम की डिग्री चुरा के लाया है तो कहाँ से उचाएगा एक गरीब का बच्चा पढ़े कहाँ से चाहेगा कि फारूक जैन उसे पीएचडी करे एक किसान का बेटा होकर पीएचडी करे तो ये सब ये सब जो ट्रेंड चला रहा है ना कि किसे रिक्शा चलाना पकोड़ा बेचना नाला से गैस निकालना ठीक है ये इसलिए बोल रहा है कि आप हम जैसे लोग जो सोचते हैं उसी में ना फेसबुक फेसबुक खेलना शुरू कर दें ठीक है ट्विटर ट्विटर करना शुरू कर दे इंस्टा में डाल दिए मोदी जी ने यह कहा ईरानी जी ने यह कहा पोखरियाल जी ने यह कहा इसी में हम बिजी हो जाए और जो हमारा बेसिक्स सवाल है जो हमारा बेसिक्स नीड्स है उसको हम भूल जाए इसीलिए इस तरह का बाइंडी क्रिएट किया नहीं देखते हैं मोदी को मोदी जी को कभी क्या बोलते हैं अरे क्या क्या मतलब हिस्ट्री की तो ऐसी तैसी कर देते हैं कभी कुछ कभी कुछ अकबर ने पानीपत की लड़ाई में कौन हारा था क्या बोलते हैं इसका जवाब देखिए क्या होगा कुछ से कुछ आप बोल रहे हैं उल्टा सीधा जो सो हम तो भाई हम तो हिस्ट्री रीराइट की हम तो कह हिस्ट्री को रीराइट की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम पे हिस्ट्री लिखा जाए तुम्हें लिखने की क्या जरूरत है तो बदलने की जरूरत है सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है कम्युनिस्टों ने सब उल्टा लिख रहा है नहीं देखिए वो उनका दिमाग ही उल्टा चल रहा है हिस्ट्री सीधा है उनका दिमाग ही उल्टा चल रहा है वो जो देख रहे हैं ना जिस उल्टे दिमाग से आप क्या कीजिएगा उल्टे होकर आईना में देखिएगा तो आपको सीधा दिखाएगा ना आईना इतना मूर्ख है उसका दिमाग ही उल्टा है उनका सोच गंदी है नापाक सोच है उनको समझ में नहीं आता है टू प्लस टू फोर होता है फ़ोर ही रहेगा अब मोदी जी कह दे कि नहीं मेरा फार्मूला टू प्लस टू इजल टू फाइव तो हम क्या कहेंगे कि ये फार्मूला गलत है तो फार्मूला सही है ठीक है हिस्ट्री सही है साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो है उनके साथ अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं तो आप गलत है ना अब मैं कह दूँ ये एनडीटीबी है मान लेंगे आप ये एनडीटी बी है मैं इस पर हिस्ट्री लिखूँगा ये मानेंगे आप नहीं ना मानेंगे भाई ये ऑलरेडी क्या है एच एन पी न्यूज़ है तो ये है ये रहेगा आपका दिमाग में गोबर इस तरह से भरा है कोच कोच के कि आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा आप सोच नहीं पा रहे हैं तो अब कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं कभी बोल रहे हैं कश्मीर से वो थ्री सेवेंटी हट गया तो गोरी गोरी लड़की से शादी करेंगे अपना बीवी तो संभाल नहीं पाए आप ठीक है जवानी में खो दिए बीवी कहाँ है माँ बाप कहाँ है उसका आपको पता नहीं और यहाँ खट्टर जी क्या कह रहे हैं आप जब आपको शिक्षा की रोजगार की बात करना चाहिए आप गोरी गोरी लड़की से शादी करेंगे पहले बोलिए बेशर्मो ब्याकलों बे जो अभी देश के प्रधानमंत्री जी हैं अपनी बीवी को तो घर में बसा नहीं पाया उनको तो रोजगार नहीं दे पाया गोरी गोरी से शादी करेंगे तो कश्मीर का क्या मुद्दा क्या हल हो गया कश्मीर का मुद्दा हल हो गया तो क्या देश का मुद्दा हल हो गया कश्मीर में थ्री सेवेंटी था तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो आज थ्री सेवेंटी हो गया मोदी जी ने सब त्याग दिया किसने देश के लिए मनमोहन जी नहीं है मनमोहन जी जैसे ज़्यादा सेवा किए हैं नेहरू से ज़्यादा सेवा किए हैं महात्मा गांधी से ज़्यादा सेवा दिए हैं डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा सेवा दिए हैं ये ये सेवा नहीं दिया है देश को लूटा है ठीक है देश को कुछ ज, दिया नहीं है देश से लूटा है ही इज नॉट प्रोवाइडर ही इज लूटर यहाँ से लूटा है ले जाकर आडानी अंबानी को दिया है आप आप देखिए अंबेडकर के कितने भाई बहन थे ग्यारह भाई बहन थे अम्बेडकर के पापा का अम्बेडकर के पिताजी का इस देश में योगदान नहीं है अम्बेडकर का योगदान नहीं है आप देश कह देंगे मतलब आपका नाकामी को छिपाने के लिए हम देश के लिए घर त्याग दिए बीवी त्याग दिए परिवार त्याग दिए त्यागने की बात नहीं है भाई साहब आपके आपका एग्जीक्यूटिव आपके हाथ में जुडिशरी आपके हाथ में लेजिस्लेटिव कौन बताएगा कि चोरी हुआ कि नहीं होगा ये बताइए ये कौन बताएगा ये कौन बताएगा कि चोरी हुआ कि नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से चार लॉयर निकल के बोल रहे हैं से सीनियर जजेस निकल के बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है देश का डेमोक्रेसी खतरे में है तो आप किस से ठीक है अभी जैसे रफाल वाला घोटाला आया अभी आप देखिए पंचानवे हज़ार करोड़ जो माफ़ करके उसको मुकम, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिला के उसको ईडी ने क्लीन चिट दिया ये कि आप नहीं देख पा रहे हैं ये मीडिया नहीं दिखाएगा तो हम क्या मान लें कि घोटाला नहीं हो रहा है आडानी अंबानी को एक हजार करोड़ देके बेच भेज देता है देश से ये नहीं दिख रहा है ये मीडिया दिखाएगा तभी हम देखेंगे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर रोबर्ट वाड्रा बीजेपी भी ज्वाइन कर ले तो वो भी पाक हो जाए। कौन नहीं रोबर्ट वाड्रा ही नहीं इस देश का जितने भी हैं मर्डरर हो रेपिस्ट हो घोटालेबाज हो कोई हो वो दो जगह जाएगा तो उसका सब कुछ माफ़ हो जाएगा या तो जेल चला जाए उसका गुना माफ़ हो जाएगा या तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले उसका गुना माफ़ हो जाएगा जेल जाएगा तो हो सकता है उसको दस साल का सजा मिले बीजेपी में एक ट्रेनियोर के लिए चल जाए सब कुछ माफ़ हो जाए अब देखिए आपके सामने है वो दुष्यंत चौटाला का बेटा माफ़ हो गया यहाँ पर क्या कहते हैं अभी आदित्य ठाकरे ए आदित पवार पंचानबे हजार करोड़ भाई एग्रीकल्चर का घोटाला महाराष्ट्र बैंक का घोटाला ये सब आपको नहीं दिख रहा है क्या ये सर्टिफाइड तभी होगा जब ये अर्नब जी दिखाएंगे जब ये श्वेता जी दिखाएंगे जब ये कश्यप जी दिखाएंगे जब सुधीर जी दिखाएंगे एनडी दिखाएगा तो ये मान्य नहीं होगा एक आखिरी सवाल है आज आप लोग फीस आई को लेकर दोबारा सड़क पर आए <laughs> कुछ लोग आपके काउंटर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो उसको आप कैसे उनसे पूछिए उनसे पूछिए कि आपको काम चाहिए कि राम चाहिए पूछिए उससे उससे पूछिए कि काम चाहिए या राम चाहिए शिक्षा काम चाहिए या तुम्हें नारा और राम चाहिए उससे पूछिए वो यही कहेगा कि नहीं हमें भी शिक्षा चाहिए हमें भी काम चाहिए उसको सीधी बात उसको जो है ना आपके म, अगर वो अगर मजदूर में से है उसको जो है ना सौ के जगह पचास रुपया थमाइए और बोलिए कि जय श्री राम लो पचास रुपये मानेगा वो आप बोलिए उसको कि हम जय श्री राम का नाम ले रहे हैं पचास रुपया तुमको रखना पड़ेगा नहीं लेगा बोलेगा राम तुम्हारी जेब में रखो हमको सौ रुपया दो तो ये जो चला रहे हैं ना ये सब पेड वर्कर हैं ठीक है इनको पे करके भेजा जाता है पाँच सौ पाँच सौ हज़ार दे के भेजा जाता है जाओ जेनू को जे को डिमिन करना है जेन को अंडरमाइन करना है बदनाम करना है आप लग रहा है कोई भी जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान वो इस तरह का करेगा हरकत नहीं करेगा तो ये लोग कौन है जय श्री राम के नाम पर किसी के हाथ से आप जेब से दो रुपया नहीं निकाल सकते हैं भाई साहब आप बात कर रहे हैं जे की आप बात कर रहे हैं बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए